किसानों के वलों लगातार कणक के नाड़ नूं अग लगाई जा रही है। इस दे नाल जिथे सड़की हादसे वापर रहे ने उत्थे ही हुण इक फैक्टरी दे विच अग लगी है। दरअसल कहा जा रहा है कि फैक्टरी दे नाल नाल खेत सन ते उत्थे कणक वड्डी हुई सी ते किसान दे वलों जो कणक दा नाड़ सी उस नूं अग लगाई सी, पर हवा ज्यादा होण दे कारण नाल ही गत्ता फैक्टरी सी ते उस दे विच इह अग फैलदी फैलदी उत्थे तक पहुंचती है ते गत्ता फैक्टरी नूं साड़ के सुआह कर दिता है। तां इह अग लगण दीआं तस्वीरां वी सामने आईआं ने, जिस दे विच साफ देखिआ जा सकदा है कि जो वड्डे वड्डे ढेर ने गत्ते दे उहनां दे विच अग लगी हुई है। हालांकि इस अग दे कारण कहा जा रिहा है कि जो फैक्टरी दा मालिक है उसका 15 लाख रुपए का करीब करीब नुकसान होया है। तो अग लगण दा कारण यही दस्सिआ जा रिहा है कि किसानां दे वल्लों पहलां कणक दे नाड़ नूं अग लगाई गई सी, उत्थों फैलती हुई अग गत्ता फैक्टरी 'च पहुँचती है ते सारी मशीनरी सड़ के सुआह हो जाती है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड दीआं कई गड्डियां पहुंचियां ने, उन्हां दे वल्लों जो कहा जा रहा है कि इस अग दे उत्ते काबू पाया गया। हालांकि जो फैक्टरी दे मालिक है उन्हां दे वल्लों ये भी इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्हां दे वल्लों एक जदों फायर ब्रिगेड वाले नूं फोन किया गया तो पहला तो उन्हां दे वल्लों टाल मटोल किया, बाद दे विच उन्हां नूं कह दिता कि यह एरिया उन्हां दे खेत्र विच नहीं आउंदा, जिस करके वह फायर ब्रिगेड उत्थे नहीं भेज सकते। तो इस तों बाद दे विच दुबारा फोन किया जाता है तो उस तों बाद फायर ब्रिगेड मौके दे उत्ते पहुँचती है तो फिर जाके अग दे उत्ते काबू पाया जाता है। तो पटियाला तो यह मामला सामने आया जिते कि किसानों के वलों कणक के नाड़ नूं अग लाई गई सी, उस दे विचों एक चंगियाड़ी जो है हवा के कारण गत्ता फैक्टरी 'च पहुँचती है तो गत्ता फैक्टरी नूं साड़ के सुआह कर देती है। हालांकि इस तों पहलां दी जेकर गल कीती जावे तां कणक दे नाड़ नूं अग लगण दे कारण सड़कां दे उत्ते धुआं सी, धुएं दे कारण कई सड़की हादसे वापरे ने ते इस दे कारण कई लोकां नूं अपनी जान भी गवाउणी पई है। हाँ जी मैम, की नाम है अपना? सुमन मित्तल। ओनर हो तुसी? हाँ जी मैम। की होया फैक्ट्री विच? सर आग लग गई, पीछे किसानों ने आग लगाई हुई थी खेतों में, वो हवा का रुख इसी तरफ का था तो तेज हवा की वजह से पराली में आग लगने से सारा। कितने बजे की घटना मैम? सर ये 11:15 बजे की। कितने बजे फायर ब्रिगेड आई है? 2:45 बजे फायर ब्रिगेड आई है। कितने अभी तक गाड़ी आ चुकी है फायर ब्रिगेड की? 4-5 गाड़ियां आ चुकी है। अब तक कंट्रोल हो चुकी है कि अभी भी रह रही है? सर अभी फिर भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी है फिर। कितने का नुकसान आपको लग रहा है एस्टिमेट? सर 13-14 लाख का तो हो ही चुका है, बाकी तो बाद में ही पता चलेगा। ये तो जो मोटा मोटा दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक तो चलाने का पता लगा, जैसे मशीनरी है, जैसे वायर्स हैं, ये सब कुछ तो बाद में ही पता चलेगा ना सर। कोई आदमी कोई इंजर्ड तो नहीं है? कोई नहीं, कोई सिगे फैक्ट्री उस टाइम मौजूद? हाँ जी लेबर थी, पर फिर भी लेबर का बचाव हो गया। तो प्रशासन के कोई आया था अभी? नहीं, प्रशासन का अधिकारी अब तक कोई सरकार का नुमाइंदा आया होगा? नहीं, कोई हेल्प नहीं। पुलिस वाले हैं, ये इंचार्ज साहब खड़े हैं पीछे। हाँ, इन्होंने जरूर 12:30 बजे जैसे इनके पास कॉल गई है, 11 बजे पहले हमने बलबीड़ा कॉल किया, 11:15 बजे जैसे ही बात हुई है तो, लेकिन उन्होंने पहले कहते रहे कि फायर ब्रिगेड भेज रहे हैं। 12:30 बजे उनका एक उनको हमने जब दोबारा बार बार कॉल करने के बाद भी कोई हेल्प पहुँची तो हमने दोबारा कॉल किया तो उनकी वर्डिंग थी कि ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता, आप नया गांव रामनगर बात कीजिए। तब फिर मौके पे हमने सर को जैसे ही कॉल किया, सर मौके पर एकदम पहुंच गए थे हेल्प के लिए। लोकल के थे, हेल्प मिली तो उन्होंने किसानों वालों के साथ? नहीं, किसान तो सर आग लगाने के बाद हमने जो बल्कि पीछे के थे वो पीछे के बंदे भी हमने बल्कि बार बार उन्हें फोन किया, वो ना तो कोई आया ना उन्होंने किसी तरह की कोई हेल्प करी है, बल्कि वो मौके से उस टाइम वहाँ से भाग ही गए हैं। फायर ब्रिगेड दे हुण तक गड्डियां कितनियां कवर हो चुकी है तुहाडे हिसाब नाल? सर हो गई होंगी 11-12 गड्डियां हो गई है। ये तो खड़े हैं, पूरी हेल्प कर रहे हैं।